हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। अभी ना वो ग्रीन वेजिटेबल्स का सीज़न चल रहा है, तो मैं यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल्स लेके आई थी। तो बस मैंने यहाँ पे मम्मी को बिठा दिया है कि आप अच्छे से सारी वेजिटेबल्स को साफ़ कर दीजिए, फिर ना हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। और कटना मैं वॉश करने के बाद ही करती हूँ, जिससे कि वेजिटेबल्स की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम ना हो। तो इसके बाद ही हम इसको कट करेंगे। तो बस इसको 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है और इसकी सारी मिट्टी वगैरह अब निकल चुकी है, क्योंकि यही सीज़न होता है जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा होती हैं और इसी सीज़न में साग वगैरह अच्छे से खाया जाता है। साग तो आई थिंक सबका फेवरेट होता है। लोग हिमाचल और पंजाब साइड से हैं वो तो अच्छे से जानते होंगे इस डिश के बारे में। मक्की की रोटी ते सरसों का साग, ये बहुत ही फेमस है। तो आज मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पे ये कैसे बनता है। इसको कुकर में बारीक कट करके 10-15 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम कर लिया था, और 3 या 4 सीटीज में इसके जो लीव्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। मैं इसमें यहाँ पे आपको बताना भूल गई, साग तो वैसे सरसों का मेन होता है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा पालक, थोड़ा सा बथुआ और थोड़ी सी हरी मेथी डाली है। यहाँ पे ग्राइंडर को यूज़ किया था, आप इसको हैंड मैशर से भी अच्छे से मैश कर सकते हो। सरसों का साग जो है वो सरसों के तेल में ही अच्छा बनता है, तो मैंने बस यहाँ पे तेल ले लिया है कढ़ाई में, और इसमें यहाँ पे मैंने डाली है साबुत लाल मिर्च, और साथ में मैंने यहाँ पे थोड़े से तेज पत्ता डाला है। बस यहाँ पे मैंने प्याज को थोड़ी बिग बिग स्लाइसेस में और साथ में लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से कट कर लिया है। इन सबको मैं यहाँ पे इकट्ठे ही डाल दूँगी, और जब तक ये ब्राउन ना हो जाए मैं इनको अच्छे से भून लूँगी। और जब आपने इन लीव्स को बॉयल किया था तब आप इसमें थोड़े से 3-4 चम्मच के करीब चावल भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे डाले नहीं हैं, लेकिन ये आप डाल भी सकते हो, कुछ लोग डालते हैं। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है बनाने का, तो हमारे घर पे जो साग बनता है वहाँ पे तो हम डालते हैं। बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर दी है। बस यहाँ पे तड़का तो हमारा अच्छे से भुन गया है। साग मैश किया हुआ था उसको मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, और इसको हम 10-15 मिनट तक खुले में ऐसे ही पकाएंगे। बस सिंपल प्याज, लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगता है, इसमें और कोई मसाले डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बस इसमें नमक और आप लाल मिर्च डाल सकते हो थोड़ी सी एडिशनल, और इसमें हल्दी वगैरह कुछ नहीं डलेगा। बस साग को मैंने यहाँ पकने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे मैंने 2-3 चम्मच यहाँ पे देसी घी के डाल दिए हैं। मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ मिस्सी रोटी। एक्चुअली बनाने तो मुझे मक्की की रोटी थी, बट मैंने अभी देखा तो मेरा मक्की का आटा ख़राब हो रखा है। एक्चुअली ना मक्की का आटा हमारे यहाँ पे ज़्यादा बनता नहीं है, और वो ऐसे रखे रखे ही ख़राब हो गया। यहाँ पे मेरे पास मिस्सी रोटी का पैकेट पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसी से काम चला लेते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट भी थोड़ा मक्की की रोटी के जैसे ही मिलता जुलता ही लगता है। मिस्सी रोटी के डो को मैंने एक बार में ही अच्छे से तैयार कर लिया है। ये ना गूंथते टाइम थोड़ा सा हाथ के साथ चिपकता है, तो आप थोड़ा सा हाथ में घी या तेल लगा सकते हैं, जिससे कि ये बहुत इजीली बन जाएगा। इसको ना हम नॉर्मल चपाती की तरह बनाएंगे, लेकिन चपाती को हम ज़्यादा पतला कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा मोटा मोटा रखेंगे। इसको ना हम तवे के ऊपर ही अच्छे से सेक लेंगे, और ये ना बिल्कुल मक्की की रोटी की तरह लग रहा है ना, तो दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। और बस यहाँ पे हमारी मिस्सी रोटी बनके रेडी है, तो बस इसको यहाँ पे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं, और ये हमारी डिश बन के रेडी है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।